भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र मालवीय जी, हमारे प्रीतिवर्धन चौधरी जी, आशीष अग्रवाल, विकास अग्रवाल, हमारे बीच जनपद नगर पंचायत के उपाध्यक्ष खनुजा जी, चौकी प्रभारी घोड़ा डोंगरी एवं समस्त हमारे आयोजन समिति फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घोड़ा डोंगरी, जिन्होंने इतने अथक प्रयास करकर घोड़ा डोंगरी में मैं पिछले कई वर्षों से आ रहा हूँ। पाथाखड़ा के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फुटबॉल ग्राउंड में 14 वर्षों से स्वर्गीय विजय कुमार खंडेलवाल जी की स्मृति में टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन उस टूर्नामेंट के टक्कर में अगर कोई टूर्नामेंट बैतूल जिले में हो रहा है तो घोड़ा डोंगरी फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब द्वारा किया जा रहा है। और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी भोपाल, महाराष्ट्र, आजूबाजू इंदौर से आज आप एक से बढ़कर अगर छोटे से आदिवासी क्षेत्र घोड़ा डोंगरी में अगर इतने अच्छे क्रिकेट को देखने को मौका मिल रहा है, उसके लिए फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब घोड़ा डोंगरी को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले वर्ष भी आया था, नगर पंचायत के अध्यक्ष, नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष सभी लोग मौजूद थे। मेरा एक ही आग्रह था, आज हमारे बीच घोड़ा डोंगरी की विधायक गंगा संजय सिंह उइके जी भी है, इस ग्राउंड को बहुत ही सुंदर है जितना बनाने में हमारे आशीष अग्रवाल और फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब के लोग, दिन रात में जब भी भोपाल जाता हूँ देखता हूँ दिन रात यहाँ रोलर और लोग अपने मेहनत से ग्राउंड को तैयार करते हैं। तो मैं आपसे यही आग्रह करता हूँ कि नगर पंचायत भी है, जनपद भी है और हमारे विधायिका जी भी है, आज मैं गंगा सज्जन उइके जी से बोलूंगा कि इस ग्राउंड में जो हमारे दर्शक जो जमीन पे बैठते हैं इनके लिए सीढ़ियों का निर्माण मैंने पिछले वर्ष भी बोल के गया था, हमारे खनुजा जी भी मौजूद थे और जनपद अध्यक्ष जी भी मौजूद थे, सब लोग मौजूद थे। पता नहीं इस वक्त क्या हुआ, एक साल से मैं सोचा था इस बार शायद बैठने के लिए दर्शकों को सीढ़ियों का निर्माण होगा, पिछले बार किन कारणों से नहीं हुआ, NOC नहीं मिला, इन सब कारणों से मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कई सारी समस्या भी रहती है, लेकिन स्कूल का अगर ग्राउंड है, स्कूल की चीजें है, तो स्कूल भी NOC देने में पीछे नहीं हटेगी, इसमें स्कूल के बच्चे भी खेलेंगे, उनका भी खेल होता है, वार्षिक उत्सव होता है और ये घोड़ा डोंगरी का मेन ग्राउंड है और यहाँ पर घोड़ा डोंगरी के पूरे बच्चे खेलते हैं। आज जनपद अध्यक्ष और नगर पंचायत उपाध्यक्ष बैठे हैं, हमारी विधायिका जी बैठे हैं, हमें गंगा सज्जन सिंह के से इतना ही कहना चाहूंगा कि आप खिलाड़ियों की भावनाओं को कदर करते हुए कम से कम आप तो घोषणा करेंगे कि यहाँ पर मैं अगले वर्ष आऊँ कि यहाँ सीढ़ियों का निर्माण पाथाखड़ा के स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी फुटबॉल ग्राउंड में 1 करोड़ का हमारी नगर पालिका ने सीढ़ियों का निर्माण किया, उसकी NOC WCL ने भी दिया, क्योंकि खेल से बढ़कर कोई चीज नहीं है, अगर खेल आपके लिए है तो हम लोग हैं, हमारे बच्चे अगर खेल रहे हैं सबके बच्चे खेलते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के हो, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सबके बच्चे इसी ग्राउंड पे आते हैं, आप भी आते हैं, हम लोग आते हैं। तो जैसे पाथाखेड़ा में वहाँ पे सीढ़ियों का निर्माण हुआ, मंच का निर्माण हुआ और आपको बताना मैं चाहूंगा कि बैतूल जिले का पहला ग्राउंड होगा जहाँ हाई मास फ्लश लाइट लग रहे हैं, जिसका फाउंडेशन बन चुका है और कलकत्ता से हो सकता है कि हमारे 28 जनवरी को जो उसका फाइनल हो वहाँ पर हाई मास्क लग जाएंगे और पहला ग्राउंड होगा बैतूल जिले का जहाँ फ्लश लाइट लग रहा है और जहाँ रात को भी टूर्नामेंट होंगे, वॉलीबॉल भी होंगे, फुटबॉल भी होंगे, कबड्डी भी होंगे। इसी तरह मैं ज़्यादा बड़ी मांग नहीं करता हूँ, हमारे क्षेत्र के तीनों संस्था यहाँ पर है, विधायिका जी भी है और आज मैंने विधायिका गंगा विके जी से बात किया, वो भी चाहती है कि खिलाड़ियों की भावनाओं का कदर करे, अगर सीढ़ियों का निर्माण होगा तो हमारे फ्रेंड्स क्रिकेट क्लब आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और मैं भी आऊंगा अगले वर्ष, तो यहाँ पर लोग खिलाड़ी जो जमीन पे बैठते हैं सीढ़ियों पे बैठे मिलेंगे, यही बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।